हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां मैं आपको बताती हूं एजुकेशन से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स और लर्निंग से रिलेटेड चीज़ें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रही हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। और ये जो टॉपिक है, अगर आप क्लास टेंथ में हैं या ट्वेल्थ में हैं या आप कोई भी ग्रेजुएशन की क्लासेस में, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और ये बहुत ही जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अक्सर होता है कि आप लोगों का रिज़ल्ट जब आता है तो बहुत से बच्चों के जो रिज़ल्ट होते हैं तो उस पर लिखा आता है विथहेल्ड, या कोई रीजंस शो होते हैं जिसकी वजह से आप अपना रिज़ल्ट नहीं देख पाते हैं। तो ऐसे ही जो चीज़ें आजकल RGPB यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ हो रही है, उनमें से जो कुछ स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो अपना जो रिज़ल्ट है वो देख लिया है, लेकिन कुछ स्टूडेंट अपना रिज़ल्ट नहीं देख पा रहे, उनके रिज़ल्ट पे विथहेल्ड शो हो रहा है, ये दूसरे अदर रीजंस भी हो सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी, अगर आपके रिज़ल्ट पे भी विथहेल्ड शो हो रहा है या कुछ और शो हो रहा है, तो आप लोग यूनिवर्सिटी को एप्लीकेशन कैसे लिखें इस चीज़ का सॉल्यूशन के लिए। तो जो ये वीडियो है ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो उनका नाम है जेम प्रकाश साहू। तो उन्होंने मुझसे ये वीडियो की रिक्वेस्ट करी है कि उन्होंने बोला है कि मैम आप एक एप्लीकेशन बताइए कि हम लोग है ना अपनी यूनिवर्सिटी को सेंड कर सकें, एक एप्लीकेशन लिख सकें इससे रिलेटेड कि हम लोगों का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर नहीं हुआ है, विथहेल्ड लिखा आ रहा है, तो आप उसी से रिलेटेड हमें एक एप्लीकेशन बताइए। तो हम आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे और मैं आप लोगों को 2-3 सैंपल बताऊंगी। तो आज मैं आप लोगों को 2-3 सैंपल भी बताऊंगी एप्लीकेशन के, आप लोगों को जो भी ठीक लगे आप अपने हिसाब से वो लिख सकते हैं। थोड़ा बहुत चेंजेस होंगे, मैं आप लोगों को बता दूंगी कि आप अपने हिसाब से कहाँ चेंजेस कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आगे चल के आप लोगों के लिए भी काम आ सकती है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और साथ ही बेल बटन को क्लिक कर लिए ताकि मेरी कोई भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए सबसे पहले। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सैंपल 1 बता रही हूँ कि आप लोगों को जो एप्लीकेशन है, आप लोगों का जो रिज़ल्ट रुका हुआ है, आप लोगों का रिज़ल्ट नहीं शो हो रहा है, तो आप उसका जो सैंपल 1 है एप्लीकेशन का वो आप कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने शुरू में लिखा है टू द रजिस्ट्रार, तो आप लोगों को टू द रजिस्ट्रार हम दे रहे हैं रजिस्ट्रार को ये। फिर आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखिए, यहाँ मैंने यूनिवर्सिटी नेम करके आपको यहाँ लिखा है, तो आपको यहाँ पर अपने यूनिवर्सिटी का नेम लिखना है, अभी जो भी यूनिवर्सिटी है। फिर यहाँ यूनिवर्सिटी का एड्रेस आएगा, आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो जहाँ भी है, जैसे मानिए आपकी अगर RGPV यूनिवर्सिटी है तो वो कहाँ है, भोपाल में है, तो यहाँ पर आप उसका एड्रेस लिख दिए। सब्जेक्ट है आपका डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट, यानी आपके रिज़ल्ट का डिक्लेयर करने के लिए ये एप्लीकेशन हम लिख रहे हैं। तो यहाँ सर मैम जो भी हैं आप लोग दोनों लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है कि सर हैं या मैम हैं। तो यहाँ मैंने देखिए यहाँ एप्लीकेशन लिखी है द यूनिवर्सिटी डिक्लेयर द रिज़ल्ट ऑफ द डैश, यहाँ पर हम बता रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने डिक्लेयर करा था रिज़ल्ट, आप जो भी आप स्ट्रीम से हैं, आपका जो भी ब्रांच है या कोई भी कोर्स कर रहे हैं, यहाँ आपको डैश में लिखना है। मान लिए अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, BE कर रहे हैं, तो यहाँ आप लिख सकते हैं द यूनिवर्सिटी डिक्लेयर द रिज़ल्ट ऑफ द BE, तो यहाँ आप लिख सकते हैं आप जो भी क्लास में आप वो लिखिए, इन डेट आप डेट लिखिए, यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए बताया July 19। तो यहाँ हमने बताया कि यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर करा था रिज़ल्ट इस क्लास का कब, July 19 को, आप अपने हिसाब से डेट लिख सकते हैं। परहैप्स विद इन द शॉर्टेस्ट टाइम आफ्टर होल्डिंग द एग्जामिनेशन इट वॉज सो गुड ऑफ यू, मतलब एग्जामिनेशन के बहुत तुरंत बाद ही बहुत शॉर्ट टाइम में आप लोगों ने रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया, ये बहुत अच्छी बात है, इट वॉज सो गुड ऑफ यू, यहाँ हमने उनको बताया है। आई फाउंड माई रिज़ल्ट इन द WH विथहेल्ड कैटेगरी, तो अगर आप विथहेल्ड कैटेगरी में आपका रिज़ल्ट आ रहा है, अगर आपके रिज़ल्ट में विथहेल्ड लिखा आ रहा है, तो यहाँ हमने उसका रीज़न बताया है कि आपके रिज़ल्ट में आ रहा है कि मेरे जो रिज़ल्ट उस पर विथहेल्ड लिखा हुआ आ रहा है, और इट इज़ नाउ मंथ अक्टूबर एंड आई एम स्टिल इन दैट कैटेगरी, यहाँ मंथ अपने हिसाब से लिख सकते हैं, यहाँ मैंने अक्टूबर लिख दिया अपने मन से, तो आपको बताना है कि अब तक ये महीना हो गया और मैं अभी भी उसी कैटेगरी में शो हो रहा हूँ या शो हो रही हूँ, मतलब मेरा जो रिज़ल्ट है अभी तक विथहेल्ड कैटेगरी में ही आ रहा है, तो माय रिज़ल्ट में काइंडली बी डिक्लेयर्ड एट द अर्लीस्ट। तो यहाँ पर लिखा है
जो हमारा रिजल्ट है वो जल्दी से आप लोग डिक्लेयर करिए. इफ़ आई हैव लेफ्ट सम फॉर्मेलिटी इनकम्प्लीट आई मे बी इन्फॉर्म एंड आई शैल डू द नीडफुल. तो यहाँ हमने बोला है कि अगर हमारी तरफ से कोई फॉर्मेलिटी इनकम्प्लीट है या कोई डॉक्यूमेंट कम्प्लीट है तो हमको इन्फॉर्म करिए. तो नेक्स्ट पैरा है, सर द नेक्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन इज़ नॉट फार, आई हैव जॉइन द नेक्स्ट क्लास प्रोविजनली, आई एम इन अ स्टेट ऑफ सस्पेंस, आई डू नॉट नो वेदर आई शुड प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन अगेन और वर्क फॉर द प्रीवियस क्लास एग्जामिनेशन. तो यहाँ आपने अपनी प्रॉब्लम बताइए कि विधहेल्ड की वजह से जो हमारे रिजल्ट पे विधहेल्ड लिखा आ रहा है तो हम उसमें सस्पेंस में कि हम पास हैं या फेल हैं, हम दूसरी नेक्स्ट क्लास के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें या प्रीवियस क्लास के एग्ज़ाम की तैयारी करें. तो यहाँ पर आपने अपनी प्रॉब्लम बताई है. फिर नेक्स्ट में आप लोगों को लिखना है फॉर द सेक ऑफ माई एकेडमिक करियर माई रिजल्ट में काइंडली बी डिक्लेयर एट द अर्लीस्ट. तो यहाँ हमने बोला है कि मेरा जो एकेडमिक करियर है उसकी उसके लिए प्लीज़ हमारा जो रिज़ल्ट है वो आप जल्दी से डिक्लेयर करिए. यहाँ माय रोल नंबर इज़ 21815, आपका जो भी रोल नंबर है यहाँ आप लिख दिए. आई शैल बी थैंकफुल टू यू फॉर एन अर्ली एक्शन इन द मैटर. फिर यहाँ योर फेथफुली आपका नाम एड्रेस और आपको यहाँ डेट लिखनी है. तो ये आपका है पहला फॉर्मेट. तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से देख लिए कि ये आप लोगों का फर्स्ट फॉर्मेट है. अगर आपको ऐसे एप्लीकेशन लिखनी है, इस तरीके से एप्लीकेशन लिखनी है तो आप लोग लिख सकते हैं. और मेन चीज़ मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, अगर आप कोई भी एप्लीकेशन लिख रहे हैं, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक और सैंपल बताऊंगी कि आप लोगों को वैसे भी लिख सकते हैं आप एप्लीकेशन, तो आप लोगों को इस एप्लीकेशन के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स की भी ज़रूरत होगी. अगर आप इस एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं तो बहुत अच्छा होगा. यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट लिखे हैं, यहाँ पर ऊपर देखिए नोट करके मैंने यहाँ डॉक्यूमेंट्स बताए हैं. आप लोग अपना जो एडमिट कार्ड है उसकी जेरोक्स कॉपी अटैच कर सकते हैं एप्लीकेशन के साथ, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पेमेंट रिसीट आप कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर की मार्कशीट की जेरोक्स भी आप लोग अटैच कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के साथ. तो इससे क्या होगा, वो जो आपका एप्लीकेशन है वो जब यूनिवर्सिटी जाएगी तो उन लोगों को आप लोगों को ढूंढने के लिए आसानी होगी, वो आसानी से आप तक पहुँच सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो इससे ईजिली हो जाएगा. तो अगर आप लोग एप्लीकेशन लिख रहे हैं यूनिवर्सिटी को तो प्लीज़ आप लोग इसमें से कोई ना कोई चीज़ ज़रूर लगाएं. अगर आपके पास सब चीज़ें हैं तो आप लोग सारी चीज़ें लगा दिए तो ये आपके लिए अच्छा होगा. अब मैं आपको बताती हूँ कि दूसरा सैंपल क्या है. तो देखिए ये है हमारा दूसरा सैंपल. इसमें है टू डेप्टी कंट्रोलर एग्जामिनेशन. यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट नेम लिखना है, फिर इंस्टीट्यूट का एड्रेस लिखना है. यहाँ सब्जेक्ट है रिक्वेस्ट लेटर फॉर रिजल्ट कलेक्शन. रिस्पेक्टेड सर, विद ड्यू रेफरेंस इट इज स्टेटेड डेट आई एम अनएबल टू फाइंड रिजल्ट ऑफ माय सेमेस्टर. नंबर आप अपना लिख देना, जो भी आपका सेमेस्टर है तो वो आप अपने हिसाब से लिख देना, आपको जो भी रिजल्ट नहीं शो हो रहा है. तो आई हैव चेक थॉरली बट माई रिजल्ट आर नीदर ऑनलाइन नॉर ऑफलाइन इन यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड. आई डिड अपियर इन द एग्जामिनेशन एंड आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट माई रिजल्ट. शो योर एक्चुअल प्रॉब्लम एंड सिचुएशन. इस पैरा में आप लोगों को बताना है कि आप लोगों का जो रिजल्ट है आप देख नहीं पा रहे हैं, अपनी पूरी प्रॉब्लम इसमें बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है. कि अगर आपका विधेयक लिखा हुआ आ रहा है तो आप अपनी वहाँ पर प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करिए कि मेरा जब मैं रिजल्ट चेक कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो वहाँ पर विधेयक शो हो रहा है. तो माय मिसिंग रिजल्ट आर कॉजिंग मी इमर्सिव डिफिकल्टीज एज आई कैन नॉट प्रोसीड टू नेक्स्ट सेमेस्टर विदाउट इट. और बताइए कि इस वजह से मैं अपने जो नेक्स्ट सेमेस्टर है या मेरा जो नेक्स्ट कोर्स है उसकी तैयारी नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि जब तक मेरा ये रिजल्ट नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट चीज़ के लिए प्रोसीड नहीं कर सकता. हैंस इट इज़ हमली रिक्वेस्टेड डेट माई रिजल्ट इज़ प्रोवाइडेड सो दैट आई कैन कंटिन्यू विथ माई स्टडीज. तो यहाँ बोली कि मेरा जो रिजल्ट है वो आप जल्दी से प्रोवाइड करिए ताकि मैं अपनी जो स्टडी से कंटिन्यू कर पाऊँ. फिर आई शैल बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस फेवर योर ओबीडियंटली में आपका नाम आई डी नंबर आप लिख सकते हैं, डिपार्टमेंट नेम और कॉन्टेक्ट नंबर. तो ये है आपका सैम्पल नंबर टू. अगर आप चाहें तो आप इस सैम्पल से भी जो आपकी एप्लीकेशन है वो आप लिख सकते हैं. अब मैं आपको बता रही हूँ सैंपल नंबर थ्री. ठीक है, जो आपका सैंपल नंबर थ्री है वो भी बहुत इजी है. आप चाहें तो इस सैंपल से भी अपनी एप्लीकेशन लिख सकते हैं. तो चलिए देखते हैं कि सैंपल नंबर थ्री कैसा है. तो टू डिप्टी कंट्रोलर एग्जामिनेशन, इंस्टीट्यूट नेम, इंस्टीट्यूट एड्रेस. आप लोगों को अपना इंस्टीट्यूट का नाम और इंस्टीट्यूट का एड्रेस बताना है. फिर यहाँ आपको डेट बतानी है,
सब्जेक्ट रिक्वेस्ट लेटर फॉर एग्जाम रिजल्ट फॉर फिफ्थ सेमेस्टर। तो सब्जेक्ट आप जो मैंने आप लोगों को प्रीवियस जो सैम्पल बताया है आप वो सब्जेक्ट भी यहाँ लिख सकते हैं या सब्जेक्ट यही लिख सकते हैं और आपको जो भी सेमेस्टर है आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। फिर रिस्पेक्टेड सर मैम आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ फिफ्थ सेमेस्टर डिपार्टमेंट नेम एट योर यूनिवर्सिटी। आप लोग उनको बताइए कि मैं जो स्टूडेंट हूँ वो फिफ्थ सेमेस्टर का हूँ, आपका जो भी सेमेस्टर है आप लोग लिखिए, आपका जो डिपार्टमेंट नेम है वो लिखिए। इट्स बीन ऑलमोस्ट 1 month सिंस आउट फाइनल एग्जाम टुक प्लेस एंड ऑलमोस्ट अ मंथ सिंस द अनाउंसमेंट ऑफ द एनुअल रिजल्ट। तो यहाँ बताइए कि लगभग इतने महीने हो गए हैं फाइनल एग्ज़ाम्स हुए हुए और जो रिज़ल्ट है उसका जो अनाउंसमेंट हुआ है उसको भी 1 महीना हो गया। तो आप यहाँ अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो एग्ज़ाम है उसको जितने भी मंथ हुए हैं यहाँ आप वो लिखिए और रिज़ल्ट आए हुए आपके जितने मंथ हुए हैं वहाँ आप लिख सकते हैं। यहाँ मैंने 1 month लिखा है तो आप यहाँ अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ऑल माई फेलो बैचेस बैच मेट्स रिसीव देयर रिजल्ट ऑन द ऑनलाइन पोर्टल एक्सेप्ट मी। तो यहाँ बोले तो मेरे जितने भी फेलो हैं बैचमेट्स हैं उनको उनके रिजल्ट ऑनलाइन पोर्टल पर मिल गए लेकिन मेरा नहीं मिला है। तो यहाँ ब्रैकेट में मैंने लिखा है शो योर एक्चुअल प्रॉब्लम एंड सिचुएशन। यहाँ आप अपनी एक्चुअल प्रॉब्लम और सिचुएशन बताइए कि क्यों नहीं मिला है, कि आपका रिजल्ट विदहेल्ड शो हो रहा है या आप लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप वो प्रॉब्लम शो कर सकते हैं। आई डोंट नो व्हाट द इशू इज़, आई हैव ऑल ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यूज पेड एज वेल, काइंडली फॉरवर्ड माई एप्लीकेशन टू द एग्ज़ाम सेंटर आस्किंग देम टू प्लीज डिस्प्ले माई रिजल्ट एज सून एज पॉसिबल। तो यहाँ आपने उनको बोला है कि मुझे नहीं पता कि क्या इशू है, मैंने अपनी जितने भी ड्यूज़ हैं वो भी पेड कर चुके हैं, तो आप प्लीज़ जो मेरी एप्लीकेशन है वो एग्ज़ाम सेंटर तक पहुँचाइए जल्द से जल्द और इसका सॉल्यूशन निकालिए। फिर थैंकिंग यू, यहाँ आप अपना नेम आईडी नेम डिपार्टमेंट नेम और कॉन्टेक्ट नेम। तो ये जो है ये आप लोगों के मैंने आप लोगों को फॉर्मेट बता दिए हैं कि आप लोग इस फॉर्मेट से रिजल्ट लिख सकते हैं और साथ ही मैंने जो डॉक्यूमेंट्स बताएं आप लोग एप्लीकेशन के साथ वो डॉक्यूमेंट ज़रूर लगाएं और तभी आप एप्लीकेशन सेंड करें। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें जिसको भी ये प्रॉब्लम जो ये फेस कर रहा हो। और कमेंट सेक्शन में आपकी कोई भी क्वेरी हो या क्वेश्चन हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि उससे उसका जो रिप्लाई मैं आपको दे पाऊँ या उस पर वीडियो बना लूँ।